मुंबई के पास स्थित अरिहंत मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ने एक जले हुए मरीज की जान सफलतापूर्वक बचाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो एक उच्च वोल्टेज विद्युत दुर्घटना के कारण 74% तक जल गया था। मरीज के बचने की संभावना काफी कम थी, लेकिन अस्पताल की मेडिकल टीम, नर्सिंग स्टाफ, सहायक स्टाफ और उत्कृष्ट प्रशासन के समर्पण और कड़ी मेहनत के कारण चमत्कारी सुधार लाने में मदद की। माता पिता ने अरिहंत मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में कई सर्जरी, बर्न ड्रेसिंग और स्किन ग्राफ्टिंग की, जहां अत्याधुनिक कुशल डॉक्टरों की एक टीम शामिल थी। डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, डॉक्टर उत्कर्ष शाह, डॉक्टर शाहनवाज सिद्दीकी, डॉक्टर आकाश दुराकर, डॉक्टर श्रीनिवास सुरपम, स्नेहजीत वाघ, डॉक्टर सुबोध गुप्ता, डॉक्टर सौरभ पटले, डॉक्टर प्रणव कुमार झा, डॉक्टर उज्ज्वल वानखेड़े, डॉक्टर पलक शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन जैन, डॉक्टर दीपक मदनकर, डॉक्टर जितेंद्र कवर्ती, डॉक्टर रोशन भुजोरकर और डॉक्टर संदीप मेश्राम ने मरीज की जान बचाने के लिए अथक प्रयास किया। अरिहंत मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल एक अत्याधुनिक विशिष्ट 160 बिस्तरों वाली तृतीयक देखभाल प्रणाली है, जो व्यापक एनकोनोलॉजी देखभाल, हृदय विज्ञान, तांत्रिका विज्ञान, ऑर्थोपोडिक्स, क्रिटिक केयर, न्यूनतम इनोवेसिव सर्जरी अरिहंत के क्षेत्रों में एंड टू एंड मल्टी स्पेशलिटी सेवाएं प्रदान करती है। नेत्रालय एक सुपर स्पेशलिटी हाई हॉस्पिटल, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोनोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, स्त्री रोग, PICU और NICU, क्रिटिकल केयर, CCU, ICU, NICU, SICU और आंतरिक चिकित्सा के उत्कृष्ट बैकअप के साथ बाल चिकित्सा, दिनचर्या और विशेष शल्य चिकित्सा और चिकित्सा सेवाओं का पूरा पैकेज है। संयुक्त परिस्थापना और ऑर्थोस्कोपी, आघात सेवाएं, टेस्ला इमेजिंग और हस्तपेक्ष रेडियोलॉजी, निवारक दवाएं और दंत चिकित्सा, मध्य भारत की नैदानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अरिहंत अस्पताल एक व्यापक अंग प्रत्यारोपण इकाई भी स्थापित करेगा। इन सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के पूरक के लिए अरिहंत अस्पताल नैदानिक सुविधाओं में नवीनतम प्रौद्योगिकी के बुनियाद ढांचे के साथ संचालन के उच्चतम मानकों को लागू करता है, जिससे सर्वोत्तम नैदानिक निदान सुनिश्चित होता है। उल्लेखनीय है कि अरिहंत कुछ राष्ट्रीय चिकित्सा सुविधाओं में से एक है, जो नवीनतम कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रयोगशाला, टेस्ला MRI, व्हाइट बोर मल्टीस्लाइन सिटी और पूरे शरीर के हस्तपेक्ष रेडियोलॉजी और अति आधुनिक पैथोलॉजिकल प्रयोगशाला से सुजित है। अरिहंत अस्पताल को सौंदर्यपूर्ण वातावरण में रोगियों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अस्पताल में प्रसिद्ध विशेषज्ञ और चिकित्सा कर्मियों की एक टीम है, जो चौतरफा देखभाल और आराम प्रदान करती है। इस विनम्र पहल के साथ अरिहंत अस्पताल नैदानिक प्रथाओं का समर्पण और पूरक करने के लिए यहाँ है। जैसा कि अस्पताल ने नागपुर और पड़ोसी शहरों के निवासियों के लिए गुणवत्तापूर्ण नैदानिक देखभाल में एक जगह बनाने के लिए यह आत्मविश्वास से भरा कदम उठाया है। पहले तो जब मेरा यह हादसा हुआ तो तब तो मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन बताते लोग कि एक दो दिन से नहीं बच पाएंगे। उसी हालत में हम यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद जो ट्रीटमेंट हुआ है उसका हाल नतीजा देख रहे कि अब मैं चल सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, ऑलमोस्ट आउट ऑफ डेंजर हूँ मैं। और हड्डी जैसे थोड़ी बहुत जख्मा है उभरने के बाद है, मतलब समझो इन्होंने हम लोग दूसरी ज़िंदगी दी है, यही समझ सकते हैं अपन। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए उम्मीद नहीं छोड़ना है। इन सबका भी कहना है, मेरा भी एक है कि पॉजिटिविटी भी चाहिए। हादसे तो होते ही होते हैं, वो तो जिसके हाथ में होना है वो तो उसको कुछ रोक नहीं सकते अपन। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही है, तो उम्मीद नहीं छोड़ना है अपन ने, थोड़ा धीर रखना है, क्योंकि उम्मीद छोड़ने से आधा आदमी वैसे ही कमज़ोर हो जाता है। डॉक्टर टीम तो अल्टीमेट है सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी लोगों का एक्सपीरियंस क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एज माय एक्सपीरियंस सारे लोगों ने जो जीतोड़ मेहनत की है उसी का नतीजा है। क्योंकि बहुत से लोग बोलते कि जिस तरह से मैं जला था 75%, हज़ारों में एक केस बच जाती है, तो वो हज़ारों में मैं एक मैं हूँ समझो, तो उसने उन्होंने किया ही होगा मेहनत, एफर्ट्स, सारी चीज़ें, तो इसलिए बच पाए। क्योंकि 75% जलने के बाद बच पड़ा, बोले तो आपने सुना सर से कि नामुमकिन है करके, फिर भी ये मुमकिन हो गया। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर पलक शाह अरिहंत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। तो आज हम यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल और यूनिक केस के बारे में बात करने वाले हैं। एक पेशेंट है मिस्टर अनिल रणदिवे, जो करीबन 2.5 महीने पहले यानी 31 दिसंबर की रात को, वो खुद एक UCN केबल ऑपरेटर है और वो
एक जगह काम करते करते उनके हाथ में हाई वोल्टेज करंट का वायर आ गया था, जिस कारण से उनको करीबन 70-80% उनकी बॉडी जल चुकी थी। कुछ एक छोटा वीडियो क्लिप भी है जहाँ पे उनकी जलती हुई बॉडी दिखाई गई है। तो उस कंडीशन में वो यहाँ पे लाए गए थे हॉस्पिटल में, जहाँ की वो पूरे शॉक में थे। उनकी किडनीज़, दोनों किडनीज़ पूरी तरीके से बंद थी, वो पूरे बेसुधा हालत में थे। उस हालत में वो इस हॉस्पिटल में लाए गए थे। ऐसे केसेस में अक्सर चांसेस ऑफ सर्वाइवल यानी जीने की जो परसेंटेज रहता है वो बहुत ही कम रहता है, हार्डली 0.1% जितना रेशियो रहता है ऐसे पेशेंट्स के बचने का। मगर इसमें सबसे ज़रूरी रहता है इस पेशेंट का लंबे समय तक मैनेजमेंट, जो कि इस हॉस्पिटल में पूरी एक टीम ऑफ डॉक्टर्स ने मिलकर दिया है। बर्न स्पेशलिस्ट, सर्जन्स, एनेसेसिस्ट, इंटेंसिविस्ट, आईसीयू केयर से लेकर जो नर्सिंग स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, हर एक की मेहनत करीबन 2.5 से 3 महीने तक लगातार चली, जहाँ पे उनको पूरी तरीके से केयर मिला, पूरी तरीके से इन्फेक्शन का खास ध्यान रखा गया, क्योंकि जब पूरी चमड़ी जा चुकी है तो इन्फेक्शन लगने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, जहाँ पे पेशेंट को हॉस्पिटल का इन्फेक्शन बिल्कुल ना लगे, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद के बर्न से और खुद की कंडीशन से लड़ रहा है। तो ऐसे केस को मैनेज करके आज 2.5-3 महीने बाद ये पेशेंट खुद खड़ा हो रहा है, खुद खा रहा है और घर जाने की हालत में है। तो इस बात का पूरा श्रेय हॉस्पिटल के टीम, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ साथ पेशेंट और उसके रिलेटिव्स का बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड और इतने लंबे समय तक इस चीज़ से लड़ने को जाता है। धन्यवाद। NBCN न्यूज़ के लिए अजित कुंवर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।